हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको सिखाएंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो जैसे कि ये सलवार मैंने बनाई हुई है, इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जैसे हम सलवार पहनते हैं तो उसका आसन की तरफ से इस तरीके से खिंचाव आता है, ठीक है। एड़ी वाली साइड से हमारा जो पोंचा है वो उठ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इस सलवार में, लेकिन जब दूसरी सलवार की कटिंग बताऊंगी तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको आप कैसे कटिंग करेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक रहिए। अगर वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ इसको देख के जाना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो व्यूवर्स होते हैं सिर्फ देख करके चले जाते हैं, वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप एंड तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आती है कि आसन की तरफ से हमारा जो ये सलवार है वो खिंच जाती है और बड़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, उठी उठी सी लगती है। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी कि इसका आपने हल कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस सलवार को हम साइड में रखते हैं और ये सलवार की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इस कपड़े में हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये वैसे तो मैं 10-12 साल के बच्चे के लिए कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी सलवार अभी मेरे पास आई नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बड़ी सलवार की भी कटिंग करना चाहते हैं तो इसी में मैं आपको बीच बीच में बता दूँगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कैसे आपने कटिंग करनी है। तो ये 4 फोल्ड मैंने किया हुआ है कपड़ा, ठीक है। खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे इस तरीके से ये छोड़ना है कपड़ा। यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी और उसके नीचे से हमने जो भी लेंथ है आपकी वो रखनी है। जैसे यहाँ पे मेरी लेंथ है 32 इंच की, ठीक है। तो 32 इंच हमने जहाँ पे 2.5 इंच छोड़ा है, जहाँ पे निशान लगाया है, वहाँ से हम इंच टेप रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 32 इंच तक हमने लेंथ तैयार रखनी है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 इंच का पोंचा भी आगे की तरफ में लगाना है। तो यहाँ पे हमने 32 इंच नहीं रखना है, 2 इंच माइनस कर देंगे, मतलब 1.5 इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 0.5 इंच हमारा जब पोंचा अटैच करेंगे उसमें भी चला जाएगा। तो हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 30.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो 30.5 इंच की हमने लेंथ लेनी है। अगर आप बड़े की बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड से आपने उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा घेरा है 12 इंच का, ठीक है। डबल 4 फोल्ड में है, 12 इंच इसका घेरा है। यहाँ पे छोटी सी म्यानी भी लगाऊंगी मैं, आप बड़े में भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि घेरा इसका कम है ना थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। अगर थोड़ा सा कपड़ा आपके पास ज़्यादा है, 14-15 इंच है 4 फोल्ड में, तो आपको म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने आसन रखना है। आसन यहाँ पे मैंने रखा है 12 इंच, बच्चे के हिसाब से 12 इंच रखा है। आपने किसी बड़े का रखना है तो आप 14-15 इंच रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मोरी है, ठीक है, जो 5 इंच की मोरी है, उसके बाद जो भी कपड़ा बचता है उसमें हमने गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो जैसे हम किसी बड़े का बनाते हैं तो मोरी हमारी जैसे होती है 6 इंच की, तो जो भी 8-10 इंच हम एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेते हैं गैदर्स डालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जितना मेरा कपड़ा है उतने में ही मैं गैदर्स डालूंगी। तो 7 इंच कपड़ा मेरा बच रहा है, 5 इंच मोरी छोड़ने के बाद 7 इंच बच रहा है, ठीक है। अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो 6.5 इंच या 6 इंच मोरी छोड़ते हुए 10 इंच आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, 10-11 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद आपने इस तरीके से ऐसे नाप करके देखना है। अब यहीं पे बात समझने वाली है कि कैसे आपकी जो पीछे खिंचाव पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने तिरछा इस तरीके से नापा, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 20 इंच की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको माप करके दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको भी समझ आ जाए। तो इस तरीके से हमने तिरछा इसको नापेंगे। अगर बड़े का भी हो तो यही आपने देखना है कि कितना आपका आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने नापा तो 20 इंच आया, अब सीधा मैं नापूंगी तो यहाँ पे 18 इंच आ गया, ठीक है। 18 इंच हमारी लेंथ आ गई, 2 इंच कम हो गया, ठीक है। जब हमने तिरछा नापा था तो 20 इंच था, जब हमने स्ट्रेट नापा तो हमारा 18 इंच आया, ठीक है। तो 2 इंच हमारा कम हो गया, इसी वजह से हमारा खिंचाव आ जाता है आसन वाली साइड में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे हमारा खिंचाव नहीं आए
तो यहाँ से हमने 2 या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। आसन वाली साइड से जो खुला वाला हिस्सा है वहाँ से हमने 2 या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको तिरछा मिला देना है, जहाँ पे हमारी लेंथ है 30.5 इंच की, वहाँ पे हमने इस तरीके से इसको मिला देना है। अगर आप बड़े का भी कट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे 2.5 इंच की बजाय आपने 3 या 3.5 इंच आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाप करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका 20.5 इंच आ रहा है, ठीक है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है ना, तो इसलिए 20.5 इंच आ रहा है। अगर 2 इंच लेंगे तो 20 इंच ही आएगा, ठीक है। अगर किसी बड़े का कर रहे हैं तो आपने 3 या 3.5 इंच लेना है, मतलब जितना आपका तिरछे में लंबाई आ रही है ना, तो उतना ही आपने स्ट्रेट में उस लंबाई को पूरा करना है। सीधी सी बात इतनी है कि स्ट्रेट में उतनी ही लंबाई आपने लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है, इस तरीके से तिरछे में ही कटिंग करेंगे। तो इसमें सिर्फ मैं कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग की अलग से वीडियो डालूंगी, ठीक है। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमारी गैदर्स आएंगी और फिर यहाँ पे हमारी 2 इंच की पट्टी आएगी। तो इसी कपड़े को हमने सीधा करके, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 इंच की पट्टी लगानी है, ठीक है। तो वो जो पट्टी लगाऊंगी ना, वो भी मैं थोड़ी सी डिज़ाइनर ही लगाऊंगी, तो आपकी डिज़ाइनर जो है अफ़गानी सलवार बन जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड से हमारा 2.5 इंच का घेरा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी म्यानी लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग है वो हो जाती है। अभी म्यानी की कटिंग भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, मतलब करी हुई है। 6 इंच लंबी म्यानी है, ठीक है, तो 5-6 इंच चौड़ी है इसकी लेंथ जो है। तो इस तरीके से हमने म्यानी की कटिंग करी है और एब में कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे इसका फाइनल लुक आया है तैयार होके, ठीक है। तो स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से डालूंगी, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टिचिंग की वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो मैं ज़रूर डालूंगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ठीक है। म्यानी भी लग चुकी है और पूरी सलवार रेडी है। यहाँ से भी हमारा कपड़ा अब नहीं खींचेगा, आसन वाली साइड से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो पोंचे हैं वो देख सकते हैं आप, मैंने किस तरीके से बनाए हैं। तो ये देखिए डिज़ाइनर पोंचे हैं, ठीक है। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है पहनने के बाद। तो इसको पहन करके भी मैं बताऊंगी जब स्टिचिंग करूंगी, तो जिस लड़की की सलवार है वो इसको पहन करके भी बताएगी कैसा इसका लुक आया है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है सलवार में, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।